बहुत ही लुक यार लेफ्ट योर लेफ्ट है लेफ्ट लेफ्ट सेंटर लेफ्ट जी लेफ्ट यार मैम लेफ्ट में मैम लुक है मैम यहाँ पे देखिए आपका नहीं आ रहा एक्चुअली चलो अभी एक मिनट यास्मीन जी यास्मीन जी यार आज की इवेंट के बारे में आज सुल्तानी इज रियली स्वीट एंड शी इज अकंपनीड मी हियर और हम लोग रेडियो शो कर रहे हैं रेडियो सिटी के साथ थिंक विद एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू बी स्पीकिंग अबाउट द फिलारिस फेस्टिवल इंडिया व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू मी It's the 3.0 this year, and Vani supported me last year, and she's here again to support me as always. Yeah. Okay, so Yasmin, हमेशा हम देखते हैं कि आप जब भी celebrities को trend करती हैं, हमेशा लोगों के अंदर बहुत मतलब कहते हैं कि उनको जिज्ञासा होती है कि क्या टिप्स हैं, कैसे celebrity fit रहते हैं, तो कुछ अगर टिप्स देना चाहें लोगों को, तो जानना बहुत कुछ चाहते हैं. तो आज हमारे साथ celebrity इधर ही है, तो क्यों ना हम उनसे पूछें कि क्या है कि उनको इतना मतलब वो आती रहती है मेरे साथ ट्रेन करने को, तो उनके ही मुंह से आप सुनिए क्यों. पर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिब्रिटी यास्मीन है और इनकी फिटनेस लेवल बहुत ही अनबीटेबल है. मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ यास्मीन मुझे आपके जैसे आर्म्स चाहिए, आपके जैसे लेग्स चाहिए, द टोनिंग दैट यू हैव एंड ऑल यू नो. पर ऑफ कोर्स इनको 30 साल का भी तजुर्बा है, मैंने अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं हर रोज सुबह उठ के 1.5 घंटा बैंड्रा आती हूँ अपने घर से जस्ट टू लाइक वर्कआउट हियर बिकॉज मुझे लगता है the kind of workout she makes for me. और मुझे लगता है हर इंसान का एक डिफरेंट बॉडी टाइप होता है, एक ट्रेनर उनके आप बॉडी टाइप समझता है एंड देन अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट रेकमेंड करते हैं एंड देन यू नो दे मेक द होल प्लान अकॉर्डिंगली एंड आई हैव बीन सो फार सो हैप्पी सुपर सुपर हैप्पी विद. कोई सीक्रेट टिप्स सीक्रेट टिप्स क्या है. सबसे सीक्रेट ये टिप है कि जो भी आप करें उसमें आप दिलचस्पी हो, जो आप इंजॉय करते हैं. क्योंकि अगर आप अगर वाली कोई एक्सरसाइज कर रही है, कटरीना वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, या जो कटरीना कर रही है वो आलिया नहीं करेगी. जो कोई जो एक्सरसाइज करता है वो उनके लिए होती है, उनको पसंद आती है, उनमें ये मोटिवेशन होता है. तो मेरा सीक्रेट ये है कि मैं हर किसी को वही एक्सरसाइज देती हूँ जो उनको अच्छी लगे, जो उनको रिजल्ट दिखाए. माय मंत्रा इज दैट इफ यू फील गुड डूइंग सम एक्सरसाइज यू आर गोना डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. And you know, fitness is a journey, it's not a destination. तो अगर आपको ये journey life long करनी है तो बहुत ही important है कि आप enjoy करें वो journey को, right? हम लोग
जो भी जर्नी अच्छी नहीं लगती है वो स्टॉप करके कहीं और चले जाते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप चेंजिंग. आई थिंक वाणी जब भी आती है, हम लोग दो दिन लगातार सेम वर्कआउट नहीं करते. द वर्कआउट इज डिफरेंट और वर्कआउट ऑल्सो डिपेंड करता है इनके फिजिकल स्ट्रेंथ वो दिन के लिए. कभी वो शूटिंग से आती है थकी हुई होती है, उसमें एनर्जी नहीं है, या तो नाइट शूट होता है दोपहर को वर्कआउट करने आती है, यू नो शी इज टायर्ड. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एज एन इंस्ट्रक्टर फॉर मी टू अंडरस्टैंड वॉट हर बॉडी फील्स लाइक एंड स्टिल टू बी एबल टू गिव हर वॉट शी रिक्वायर्स टू फील गुड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ऑफ कोर्स टू लुक गुड. So as we know, it's third time this festival is going to happen. Tell us what's new and exciting this year. Lots of new things. This year we are doing aerial pilates, which is on a hammock. We are doing cardio pilates, which is on a trampoline. We have instructors coming from Panama, America, England, Scotland and Dubai. So jo instructors hai wo you know duniya bhar se aa rahe hain. They are all master instructors, very very popular in their field. Their instructors jo jinko maine Instagram pe stalk kiya hai 5 saal pehle, and I was like, oh my god, I want to be like these people, and today they are coming to the festival. So for me that's a very very big thing to have them in my country, to host them in my country, to have people in my country be able to experience and work with these amazing instructors. And kyunki hamara festival ye time beach pe hai, we have a lot of beach activities. We have pilates that we're doing on the beach. We've covered 4000 square feet of the beach with carpet because mujhe workout karte samay sand apne aap mein chahiye nahi. So I was like, I told my team ke I need to work out on the beach but I don't want sand on me. So obviously if I don't want sand, I can't expect people who are coming to want it. So we've covered the beach and we're going to be working out there. And we have beach volleyball happening, we have beach cricket happening. We have somebody who's coming to sing one night, we have a mentalist who's coming to do tricks. We have an award function happening. We have a nutritionist who's going to be speaking about hormones and how people react to hormones. So there is a lot that I'm trying to pack in. I want it to be a very holistic approach. Of course, the Leela has an amazing spa. So there are massages available to people. And, now I want to go. Yeah, and the food, oh my God, is just outstanding. Appams and, you know, neer dosas and all the Kerala food is so great. And I'm very passionate about this because Pilates is something that's so close to me, and everyone who works out with me absolutely loves it, and I want to share it with everyone in India. And we have about 10 people coming from Dubai, we have someone coming from Ghana, we have someone coming from America. So it's really exciting for me. Okay, Vani, tell us like you're also going to join, so how excited are you? Well, I'm really trying to get on with the shoot, so now because I'm also in the midst of shooting Shamshera, so if time allows, I would love to be part of this also because it's Kerala, it's Yasmin, there's Pilates happening, it's a proper, like how she mentioned, a holistic approach hai, and there's so much jo mujhe bhi seekhne ko milega jo kabhi kabhi yahan pe main nahi kar pati hu. I think all these trainers that she's speaking about, you know, getting their point of view and having a Yasmin on board, and it's just very special. I think it's very informative also. वाली एक चीज और पूछना चाहूंगा, हम देखें कि बॉलीवुड स्टार्स को सिद्धि विनायक से बड़ा लगाव है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो क्या लगता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना लगाव सिद्धि विनायक के, हर फिल्म से पहले जाते हैं, विजिट करते हैं? इट्स अ गुड वॉक आल्सो, आई थिंक, लाइक ड्यू रिस्पेक्ट टू द, आई मीन व्हाट डू आई से, इट्स देयर बिलीफ एंड ऑल, आई थिंक इट्स गुड दैट दे हैव अ स्ट्रांग बिलीफ एंड यू नो वो ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं अपनी मूवी के रिलीज से पहले. ओके वाणी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी, वो ये है कि ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत ही बड़ा, आई कैन ओनली कीप इट टू फिटनेस टुडे, सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस मिस इवेंट, आई एम गोना नॉट टेक इट एनीवेयर एल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.